इतना ही बताया था आपने। 1540 पाए थे इसके। 1540 और ये दिन साल में एक दिन आता है, तो इसको हम कैसे ना सेलिब्रेट करें। तो विक्की भाई रबी अव्वल का व्लॉग कब आ रहा है? कि मैंने आपको कहा था लाइटिंग दिखाऊंगा, क्योंकि दो दिन की जो मेहनत थी वो अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप और कैसा लग रहा हूँ मैं? अस्सलातु वस्सलामु अलैके या रसूलल्लाह व अला आलिक व सहाबिक या हबीबल्लाह। तमाम आशिकाने रसूल को सबसे पहले जश्न ईद मिलादुन्नबी बहुत बहुत मुबारक हो। आज का व्लॉग मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा स्पेशल है ही है, लेकिन उम्मीद करता हूँ आप लोगों के लिए भी आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा स्पेशल होगा। आज के व्लॉग में मैं आपको अपनी 12 रबीउल अव्वल के दिन की पूरी रूटीन दिखाऊँगा, कि सुबह उठने से लेके तकरीबन रात तक की रूटीन दिखाऊंगा, और कुछ रबी अव्वल के महीने की भी रूटीन आपको दिखाऊंगा। वैसे रूटीन रबी अव्वल के महीने की रूटीन की बात की जाए तो हम प्रॉपर एक फेस्टिवल करते थे, इस दफ़ा वो कुछ रीजंस की वजह से नहीं कर पा रहे। उस फेस्टिवल में काफ़ी ज्यारतें भी करवाई जाती थी, काफ़ी मॉडल्स भी बनाए जाते थे, प्रॉपर स्टॉल्स लगते थे, मतलब पूरी स्ट्रीट को डेकोरेट करके बहुत माशाल्लाह अच्छे अंदाज में किया जाता था। अब इससे था कि 10 रबी अव्वल की बात है कि मैं बैठा था तो मुझे दोस्त मिले, वो कहते हैं कि भाई रबी अव्वल का व्लॉग कब आ रहा है? मैंने कहा यार रबी अव्वल का व्लॉग तो मैं नहीं बना रहा। कहते ये क्या बात हुई, वैसे हर टॉपिक पे व्लॉग बनाते हो, रबी अव्वल का व्लॉग नहीं बना रहे हो, तो ये क्या बात है? मैंने कहा यार बात तो सही कर रहे। फिर मैं सोचा यार मैं क्या बनाऊँ रबी अव्वल की रूटीन, अब क्या दिखाऊँ? मैंने कहा घर पर लाइटिंग भी हो गई, हेड ऑफिस पर लाइटिंग भी हो गई, पेट्रोल पम्प पर लाइटिंग भी हो गई, फिर क्या? फिर याद आया हाँ गली की लाइटिंग तो भी रहती है जो कल होनी है, तो मैंने कहा चलो वहीं से व्लॉग को स्टार्ट करते हैं, तो आपको फिर गली की लाइटिंग दिखाता हूँ। यार मैं काफ़ी देर से इस बारे में सोच रहा हूँ कि आप लोगों को गली दिखाऊं, लेकिन गली में क्या दिखाऊं? गली से हम बनी पड़ी फुल कच्चा रन, पूरी गली का वो पड़े से हम बेड़ा गर्क, तीन से चार घर इकट्ठे बनने लग गए। आप लोगों को तो पता है एक घर बनता है तो साथ दो तीन घर डिस्टर्ब हो जाते हैं, और जब तीन चार घर इकट्ठे बने तो तब गली का क्या हाल होगा, वही हाल इस टाइम हमारी गली का हुआ पड़ा है। अब आप लोगों को कह जो दिया है कि यार अब गली दिखानी है कि लाइटिंग हो रही है तो कैसे हो रही है, तो देखें हम जैसे भी बर्दाश्त करें यार, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अगर अच्छे तरीके से जब गली साफ होगी तब लाइटिंग वगैरह होगी तब आपको क्लियर, तो उस टाइम देख लीजिएगा बर्दाश्त करें। तो गाइस फाइनली बैग जिसका बेसब्री से इंतजार था, वो इंतजार था रात का। रात का इंतजार इसलिए था कि मैंने आपको कहा था लाइटिंग दिखाऊंगा, क्योंकि दो दिन की जो मेहनत थी वो आपको दिखा नहीं पाया था। दिखाता भी कैसे यार, क्योंकि दिन में मैं आपको क्या लाइटिंग दिखाता, ना मुझे कुछ समझ आई थी कि मैं आपको क्या दिखाऊँ, ना मतलब कुछ कह लो समझ नहीं आता कि क्या आप लोगों को दिखाऊँ। तो फाइनली रात हो गई है, अब आपको सारी लाइटिंग वगैरह दिखाता हूँ जो मेहनत की है। सबसे पहले आपको दिखाऊंगा घर की लाइटिंग, फिर उसके बाद दिखाऊंगा हेड ऑफिस, नहीं गली की लाइटिंग, फिर हेड ऑफिस की लाइटिंग, और फिर पेट्रोल पंप की लाइटिंग, उसके बाद अगले दिन की बात में। तो सबसे पहले अब आते हैं घर की तरफ, तो पहले आपको घर की लाइटिंग दिखाते चले। घर की तो आपने लाइटिंग देख ली, अब आपको दिखाता हूँ अपनी गली की लाइटिंग। अब आपको दिखाता हूँ हेड ऑफिस की लाइटिंग। बड़ी सिफ़ता नाल भरियाए सारा कुरान, बड़ी सिफ़ता नाल भरियाए सारा। अब जो मैंने आपको कहा था कि आपको लाइटिंग दिखानी है, तो उनमें रह गया था सिर्फ पेट्रोल पंप, तो आपको पेट्रोल पंप की दिखाता हूँ पहले लाइटिंग। कमली वाले मोहम्मद तो सदके में जा, कमली वाले मोहम्मद तो सदके में जा, जिन्ने आके गरीबा दीबा पढ़ लाए। कमली वाले मोहम्मद तो सदके में जा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। तमाम आशिकाने रसूल को ईदों की ईद, ईद मिलादुन्नबी मुबारक हो। तो अब हम जा रहे हैं मस्जिद, तकरीबन 4:40 का टाइम हुआ पड़ा है, और कहा जाता है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
इनकी विलादत मुबारक का टाइम 4:40 है, तो आए सुबह 4:40 की बात की जा रही है, तो आए सलाम पढ़ने जा रहे हैं और आए आप हमारे साथ मिलकर सलाम पढ़ने। सलाम जिनके आने से यसरब मदीना बना, जिनके आने से यसरब मदीना बना, उस नबी की विलादत पे लाखों सलाम, उस नबी की विलादत पे अच्छा, हर इवेंट पे जिस तरह होता है कोई दिन एक फिक्स होता है कि हमने फला जगह जाना होता है, जैसे छोटी ईद होती है तो हम अपने रिश्तेदारों के जाते हैं, रबी लवल जो 12 रबी लवल का दिन है वो हमारे फिक्स है कि हमने बुरे वाला आना है अंकल रियाज भट्टी के पास, ये अबू के दोस्त हैं और हमारे बड़े प्यारे अंकल हैं, तो इनके पास आते हैं हम स्पेशल पायों का नाश्ता करने के लिए, लंगर लगाते हैं। अंकल क्या लेंगे जी, तबीयत ठीक है आपकी? जी शुक्र अल्लाह का आपने। अंकल जी माशाल्लाह इतना बड़ा इंतजाम है, तो ये कब से कर रहे हैं माशाल्लाह इतने पाए? ये तकरीबन 9 साल हो गए। और कितने इकट्ठे कैसे करते हैं इतने, क्योंकि एक बकरे के तो 4 होते हैं? फिर ऐसे हम यकम सफ़र पे शुरू करते हैं और पूरा महीना यकम रबी लवल तक इकट्ठे करते हैं डेली जितने मिल जाए। तकरीबन कितने सेट होते हैं ये? होते हैं इस दफा अल्हम्दुलिल्लाह 1540 पाए थे। 1540 माशाल्लाह। और इसमें थे 80 81 जो थी वो सीरी कहते हैं जिसे। अच्छा, और बट सब सुन, मैंने आपको ये भी सुना है कि आप मसाले वगैरह में खुद तैयार करते हैं, तो और बनाते भी खुद हैं? बनाता भी मैं खुद हूँ जी, मसाले भी सारे खुद ही तैयार करता हूँ। इसमें कितना टाइम लगता है आप लोगों को तैयार करने में? ये तैयार करने में हमें ये तो चलती है 11 रबी से सुबह शुरू हो जाते हैं। अच्छा अच्छा। फिर रात को बना के सुबह 6 बजे 12 रबी और 6 बजे इंशाल्लाह शुरू कर देते हैं। और नहीं वो तंदूर लगाते हैं, रोटी का, नान का, हर चीज़ का। आपको मैं दिखाता हूँ हर चीज़ माशाल्लाह, तंदूर मतलब ये नान रोटी का सब कुछ फ्रेश लग रहा है आपको, सारी चीज़ें दिखाऊंगा। और जितने मैंने आज खाए हैं ना, सीरियसली खाते हैं, हर साल खाते हैं, इधर ही आके इतने कभी नहीं खाते। और कमाल जायका इंशाल्लाह, नेक्स्ट टाइम जो मेरे देखने वाले हैं आप लोग रब्ता करना, 12 रबी लेवल को इंशाल्लाह आप लोगों को साथ लेके आएंगे। थैंक यू सो मच। ये हमारे एक ग्रुप के लीडर हैं राणा जहा साहब, ये हैं जी मोहम्मद आसफ साहब, मेरे सारे दोस्त हैं जी। अच्छा, जितने भी हमारे ये सारी मेरे इंतजामिया जो भी है जी, काफी पार्टी है सारी हमारी, इससे जी ग्रुप के साथ ही सारे काम होता है माशाल्लाह। 12 लोग हमें हमारी ये मिलाद ग्रुप है, हम इसे कहते हैं माशाल्लाह, हमारे ग्रुप का नाम मिलाद ग्रुप है जी। अभी आपको मैं अंदर सीन दिखाता हूँ, जो माशाल्लाह हमारे शिकरे बैठे हैं, वैसे इंतजाम आपको बाहर दिखाता हूँ कि बाहर इंतजाम आवाम के लिए। ड्राइंग रूम में हमारे इंतजाम किया था खाने का, आपको बाहर का दिखाता हूँ। सबसे पहले अंदर शिकरों का दिखाता हूँ, जिन्होंने
मैं कहता हूँ पाया होगा कीमा कीमा कर दी है। तो मैं आपको अंदर के सीन दिखाता हूँ। कमली वाले कमली वाले मोहम्मद तो सदके में जान जिन्ने आके गरीबा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो जिस तरह आपको पता आज का जो हमारा व्लॉग है वो है रबीउन नूर के मुताबिक। रबीउन नूर की मतलब आज आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिन है, मतलब 12 रबीउल अव्वल ईदों की ईद, द बिगेस्ट ईद ऑफ द वर्ल्ड। तो आपको जिससे पता है आज ईद का दिन हमने स्टार्ट लिया, पहले आपको लाइटिंग दिखाई, फिर उसके बाद हमने सुबह सलाम पढ़ा और उसके बाद हम लंगर करने गए बुरे वाला, बड़ा हैवी लंगर था। अब फाइनली जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार था, और ये दिन साल में एक दिन आता है तो इसको हम कैसे ना सेलिब्रेट करें, और इसको सेलिब्रेट इंशाल्लाह फुल जोश और शोर से करेंगे, वो है 12 रबीउल अव्वल की रैली। तो अभी कुछ ही देर में 12 रबीउल नूर का जुलूस है मुबारक निकलने वाला है, उसकी तैयारियां चल रही है। पीछे गाड़ियों पे देख रहे हैं कि फ्लैक्सिंग वगैरह लगी है। फिर भी राह खुदा सबनू दस दे रहे, बड़ी सिफता नाल भरिया सारा कुरान, बड़ी सिफता नाल भरिया। तो इंशाल्लाह कुछ ही देर में जुलूस का आगाज होगा और इंशाल्लाह बहुत मजा आएगा। ये मजा जो होता है ये साल में सिर्फ एक ही दिन आता है, और इस दिन की जो खुशी होती है ना वो एक आशिक रसूल ही समझ सकता है। तो इंशाल्लाह आप लोगों ने जुलूस में हमारे साथ रहना है, वीडियो को लाजमी देखना है। उससे पहले यार अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और एक और चीज़, इंस्टाग्राम की आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने मेंशन की हुई है, इंस्टाग्राम पे भी जाके फॉलो करें, वहाँ जाके इंशाल्लाह बातें करेंगे और आगे मिलते हैं। बख्शिश वसीला मोहम्मद दाना, मेरी बख्शिश वसीला मोहम्मद दाना, जिन्ने आके गरीबा दीबा पढ़ लाए। कमली वाले कमली वाले मोहम्मद तो सदके में जा, जिन्ने आके गरीबा दीबा पढ़ लाए। ओदे बाजो कोई दुनिया ते प्यारा नहीं, जगते सहारा नहीं, जे ना होंदे मोहम्मद ना होंदा जहां, जे ना होंदे मोहम्मद ना होंदा जहां, जिन्ने आके गरीबा दीबा पढ़ लाए। कमली वाले मोहम्मद तो सदके में जा, जिन्ने आके गरीबा दीबा पढ़ लाए। दसो अस्सलाम वालेकुम। तो शान भाई अब आप बताएं कि आज आपको जुलूस में कैसा मज़ा आया, और जो भाई आप भी बताएं। सर हमें तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, और अभी असर की नमाज अदा करने के लिए हम रुके हैं मस्जिद में, और इससे आगे भी दोबारा से कंटिन्यू होगा, और मगरब की जो नमाज है वो बुरे वाला रोड पर फैजान मदीना में हम अदा करेंगे, और माशाल्लाह से बहुत अच्छी रैली है और इंजॉय कर रहे हैं। और मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि ना जैसे कि दूसरी रैलियाँ निकलती हैं, ये रैली उस तरह की नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें जोहर की नमाज़ भी पढ़ी गई है, और ये असर की अजान का टाइम, नमाज का टाइम हो तो असर की नमाज़ भी अदा करें। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे एक तो होता है जो रैली में शोर होता है आपको पता है, तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने दुरूद पाक भी पढ़ाया है, और बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं जिनको इंशाल्लाह हम इस पर अमल भी करेंगे, और ये रैली इंशाल्लाह हमारे आगे के लिए फ़ायदा मंद होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह असर की नमाज़ अदा करेंगे, उसके बाद इंशाल्लाह निकलेंगे यहाँ से, तो मगरिब की नमाज़ हम फैज़ान मदीना में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, बाकी आपको आगे के मनाज़र भी दिखाते हैं। फाइनली जुलूस दोबारा स्टार्ट हो रहा है, हमने असर की नमाज़ पढ़ ली, और असर की नमाज़ के बाद जुलूस दोबारा स्टार्ट होने वाला है। इस जुलूस की खास बात ये कि बहुत टाइम जब जुलूस स्टार्ट हुआ तब भी नमाज़ पढ़ी, असर का टाइम हुआ नमाज़ पढ़ी, और इख्तिताम भी मगरिब टाइम पे है। बाकी इंशाल्लाह जुलूस में हमारे साथ साथ रहिएगा, व्लॉग लास्ट तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको एंड तक व्लॉग में मजा आएगा। खुदा सबनू दस दे रहे, हुजूर की आमद मरहबा।
अल्लाह ताला के फजल व करम से आज ईद मिलादुन्नबी का जुलूस अपने इख्तिताम की तरफ पहुंच चुका है। गाड़ी के निगरान कबीना है तैयब भाई। तैयब भाई आप बताएं आज के जुलूस के बारे में। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह के फजल व करम से प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अकीदत व मोहब्बत में जो जुलूस निकाला गया, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे शहर का मुख्तलिफ मकाम पर गुजरता हुआ मगरब पर इख्तिताम हुआ है और मगरब पर अल्हम्दुलिल्लाह फिजान मदीना विहाड़ी अपने खैर ऑफिस से पहुँच चुका है। कसीर तादाद में आजकल रसूल ने इसमें शिरकत की है। अल्लाह पाक सबको जजाए खैर अता फरमाए। बिलखसूस हमारे विक्की भाई ने बड़ा तावन किया है, अल्लाह पाक इनको भी जजाए खैर अता फरमाए। आज का दिन अपने इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं। जिस तरह सोचा था कि जश्न ईद मिलादुन्नबी के दिन को सेलिब्रेट करना है, तो माशाल्लाह से उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से आज के दिन को सेलिब्रेट कर पाए हैं। तो अगर कोई यार छोटी मोटी मुझसे गलती हो गई है, कोई कोताही हो गई, तो उसके लिए मैं आप लोगों से माजत करता हूँ। और इसी के साथ उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो यार अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इंस्टाग्राम पर फॉलो मस्ट है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।